बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ एक कोई अच्छी खबर नहीं है जी, लेकिन इसमें जो परदेसी भाई हैं उनको फ़ायदा भी होने वाला है। फ़ायदा क्यों होने वाला है ये भी आपको बता देता हूँ मैं। पहले तो आपको ये बता दूँ, मैं यहाँ पर ये चीज़ एक चीज़ ऐड कर दूँ कि अगर आप सऊदी अरेबिया का हायल शहर का आपने विज़िट किया है, वैसे जद्दा रियाज में भी आपको बहुत से ऐसे सीन दिखाई देंगे जैसा कि मैं अभी बताने लगा हूँ। अगर आपने हायल शहर का विज़िट किया है बरीदाल कसीम या मदीना से जाएँ तो हायल शहर में आप यकीन कीजिए, मैंने तकरीबन 6 माह काम किया है और हर घर से खातून निकलती है जी, फर्स्ट टाइम एंड या सेकंड टाइम जॉब के लिए। ये क्यों बात आपके साथ मैं शेयर कर रहा था, ये इसलिए शेयर कर रहा था कि मज़ीद 11 पेशों में बोल रहे हैं आप, गैर मुल्कियों की छुट्टी करा दी गई है। ठीक है जी, यानी कि इन 11 शोबों में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी गैर मुल्की होगा तो वो भाई अभी अपना को काम ढूंढ ले या नकल कफाला करवा रहे या फाइनल एग्जिट लगवा कर अपने घर चला जाए। जो फ़ायदा है किन को है वो वीडियो के आगे मैं बता देता हूँ आपको। मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं जी, ये इंजीनियर मोहम्मद अल राजी, यहाँ पर उनकी पिक्चर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, और इनकी तरफ से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सेल एंड फूड एंड ड्रग सेक्टर के पेशे शामिल हैं। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर के मुतल्लिक आपको बता दूं, कोई भी इंजीनियर है, कोई भी किसी किस्म का प्रोजेक्ट है, उसमें कोई भी गैर मुल्की इंजीनियर वगैरह का काम कर रहा है या प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है, उसकी छुट्टी है। ज़्यादा परदेसी नहीं इसमें आते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात करें तो आपको पता है जी, अगर 100 बंदा है तो उनको मैनेज करना है, काम को मैनेज करना है, तो इस चीज़ के ऊपर भी। और सेल्स के मुतल्लिक आपको वाजह कर दूं मैं जी कि आप कोई भी, अच्छा इसमें ऐसा नहीं है कि आप अभी कोक की बोतलें सप्लाई कर रहे हैं तो आप इस ज़ुमरे में आएंगे सेल्स मैन के, नहीं वो नहीं आएंगे। ये सेल्स से मुतल्लिक वो है जी जो कि आकर आपसे ऑर्डर लेते हैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले, और उनके पास माशाल्लाह गाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें भी सऊदी होंगे अगर उसमें, वैसे उसमें होते ज़्यादातर परदेसी हैं जी, तो वो तमाम भी इसी में आएंगे। और फूड एंड ड्रग सेक्टर वगैरह में इनके यानी कि तफसीलात के मुराद यही है जी कि ऐसा नहीं है कि आप अलबेक में काम कर रहे हैं, आप पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम कर रहे हैं फूड सेक्टर के मुतल्लक, तो आप इसमें नहीं आएंगे। इसमें भी वो बंदे होंगे जो कि भाई रिसेप्शन के ऊपर खड़े होते हैं या काउंटर के ऊपर खड़े होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर मैंने वैसे देखे हैं जी कुछ परदेसी भी, लेकिन वहाँ से तमाम हटा दिए जाएंगे, ये भी सऊदी होंगे। अभी बात इस चीज़ के ऊपर करते हैं जी, मैं जो आपको बोलने वाला था कि आपको फायदा इस चीज से क्या होने वाला है। फायदा उन परदेशियों के इस चीज से होने वाला है, मिसाल के तौर पर अभी जैसा कि मैं भी इसी उम्र में आता हूं कि चलो हम जो अक्सर सऊदी अरेबिया, अच्छा एक चीज के ऊपर आपने गौर किया होगा, सऊदी अरेबिया का वीजा वही ज्यादातर लेते हैं जी जिनकी तलीम ज्यादातर अंडर मैट्रिक हो, यानी कि अंडर मैट्रिक हो। अगर कोई ज्यादा पढ़ा हुआ है तो माशाल्लाह वहां पर अच्छी जॉब के ऊपर भी है, और भाई मैंने ऐसे भी देखे हैं कुछ ज्यादा पढ़े हुए हैं लेकिन वहां पर भाई चलो मजबूरी होती है, लेकिन अंडर मैट्रिक से मुराद में आपको बोल रहा था कि ज्यादा बंदे वो होते हैं। अभी इसमें ये है जी कि आप लेबरी के तौर पर काम कर रहे हैं, आप ऑपरेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी मुसस्से में काम कर रहे हैं, फील्ड के अंडर काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं होने वाली, यानी कि आपको नहीं वो निकालने वाले। हाँ ऐसा जरूर है जी कि आपके ऊपर जो फोरमैन वगैरह हैं या मैनेजमेंट के तौर पर जो बंदे काम करते हैं तो उनकी छुट्टी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, जो खासकर वो बंदे जो लेबरिंग का काम करते हैं या फोरमैन छोटे मोटे होते हैं या गाड़ी के ड्राइवर हैं जी कंपनियों में, ये जैसा कि साई खास के मुतल्लक अभी खुद भी ख़वातीन चला लेती हैं ड्राइवरी, लेकिन बहुत से अफराद अभी भी साई खास के तौर पर काम कर रहे हैं।